नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर समीप एच कोस्टी है। मैं रविंद्रा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हाथ में जो यहाँ पे कलाई होती है वहाँ पे एक मीडियन नर्व होती है। वो मीडियन नर्व का बेस होता है जो बोन से बनता है और उसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्पल टनल। और ये मीडियन नर्व है कार्पल टनल के रास्ते से हाथों को सप्लाई करती है। मोस्टली उसकी सप्लाई में हमारा सेंसेशन होना, यानी कि राइट साइड का जो भी थंब होता है, उंगली, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीन फिंगर्स का मूवमेंट और सेंसेशन ये मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। अब इसमें कभी कभार दबाव होने की वजह से कार्पल टनल का सिंड्रोम कहा जाता है। इस सिंड्रोम में होता है कि पेन और सुनपन या जो चीटियाँ चलती है वैसे सेंसेशन होना, नंबरनेस, पैरेस्थीशिया होना, ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम के मेन सिम्टम्स। और इसके सिम्टम्स मोस्टली लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं। इसके मेन कारण में होता है प्रेगनेंसी, थायराइड के डिसऑर्डर्स, B12 की डेफिशिएंसी, फैटी पेशेंट होना, या जन्म से ये जो कार्पल टनल की डेवलपमेंट है वो छोटी होना। तो इसके मेन सिम्टम्स जो हमने बताए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप अपने नज़दीकी न्यूरोसर्जन का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको सलाह देंगे कि आपकी ये जो कलाई है, रिस्ट है, उसकी अल्ट्रासाउंड हो। कभी कभार MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल मतलब जब आप इसके सिम्टम्स वगैरह लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्टली वो सस्पेक्ट करते हैं। अगर मान लो ये सिम्टम आपके बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको दवाई दी जाती है। अगर वो दवाई से भी कंट्रोल नहीं होता तो लोकल फिजियोथेरापी या तो फिर यहाँ पे लोकल इंजेक्शन देते हैं। अगर कभी कभार उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में एट अ लेटर स्टेज सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी दो तरीके की होती है, या तो आप यहाँ पे छोटा सा कट लगा के 2 से 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगता है और जो कार्पल टनल में जो मीडियन नर्व पास हो रही है उसके ऊपर का लिगामेंट को कट किया जाता है, एक सर्जरी ये होती है। और दूसरी सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक कार्पल टनल रिलीज। उसमें क्या होता है, दूरबीन डाल के छोटा सा फिर ये उसको कट किया जाता है। तो ये आपका कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।